वेलकम फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट टुडे में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही बिग ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आया हूँ। क्या न्यूज़ है दोस्तों, आप देख सकते हो जो राजस्थान की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं यानी कॉलेजेज हैं उनकी जो परीक्षाएँ हैं कब होने वाली है और जो जिनकी जो ग्रीष्मावकाश ग्रीष्मकालीन जो अवकाश होता है वो कब से रहने वाला है, इस संबंध में उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने स्वतंत्र प्रभाव है वो भी उच्च शिक्षा मंत्री के, उन्होंने आज स्पष्ट कह दिया है कि जो ग्रीष्मावकाश है वो 16 अप्रैल से लगातार जारी रहेगा। यानी ग्रीष्मा जो अवकाश है वो अप्रैल से लागू है, उसके बाद में जून के प्रथम यानी प्रथम और द्वितीय सप्ताह में आपकी जो एग्ज़ाम है वो करवाई जाएगी, ताकि आगामी सत्र आपका जो आगामी सत्र होने वाला है वो आपको हानि नहीं उठानी पड़े। तो देखते हैं क्या कहा उस शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करके। ये देख सकते हो आप, भंवर सिंह भाटी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है। कौन है ये स्वतंत्र प्रभार है? उच्च शिक्षा मंत्री। तो क्या कहा उन्होंने उच्च शिक्षा मंत्री के साथ में, यह है राजस्व उपनिवेशन कृषि सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग राजस्थान सरकार द्वारा ये जो आज प्रेस नोट जारी हुआ है दिनांक 12 अप्रैल 2020 को प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई है। तो देखते हैं क्या कहा, और जो निर्णय रहा है वो बहुत ही अच्छा निर्णय रहा, क्योंकि दोस्तों जो कोविड-19 के चलते सभी की परीक्षाएं और साथ ही आगामी सत्र को लेकर सभी विद्यार्थियों में जो चिंता व्यक्त की जा रही थी उसको लगभग समाप्त चिंताएं वो धीमी हो गई है। क्योंकि दोस्तों भंवर सिंह जो भाटी है राज्य मंत्री, उन्होंने क्या कहा, भंवर सिंह भाटी राज्य मंत्री उच्च शिक्षा ने बताया कि राज्य सरकार विद्यार्थियों के हितों की रक्षा के प्रति हमेशा से ही सजग रही है। कोविड-19 वैश्विक महामारी के चलते सरकार ने विश्वविद्यालयों में शिक्षक प्रशिक्षण और सैद्धांतिक यानी कि जो प्रैक्टिकल और जो थ्योरिकल एग्ज़ाम है प्रायोगिक परीक्षाएँ आगामी आदेशों तक स्थगित करने का निर्णय लिया गया था पहले। उसी के संबंध में क्या है दोस्तों, विद्यार्थी को किसी प्रकार की परेशानी या अकादमिक हानि नहीं हो इसे दृष्टिगत रखते हुए स्थगित परीक्षाओं एवं आगामी सत्र प्रारंभ करने के संदर्भ में सुझाव देने हेतु प्रोफेसर आर के कोठारी कुलपति जो राजस्थान आरयू के राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के संयोजन में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था। उन समिति ने अपनी रिपोर्ट 11 अप्रैल 2020 को राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दी है। समिति द्वारा अनुशंसा के आधार पर राज्य हित में सरकार द्वारा निश्चय किया गया है। अब क्या निश्चय किया गया है दोस्तों, आप देख सकते हो टोटल 4-5 पॉइंट हैं, आप सब अभी 2 मिनट लगेंगे दोस्तों। और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि क्या निर्णय रहा और कौन कौन से बिंदु है। कोविड-19 वैश्विक जो महामारी के प्रकोप को देखते हुए स्थगित परीक्षाओं का शीघ्र आयोजन संभव नहीं है, यह स्पष्ट कह दिया कि शीघ्र आयोजन इसका जो संभव नहीं है। 1-2 माह तक स्थिति का आकलन किए जाने की भी आवश्यकता इसमें बताई है। अतः विराम की इस अवधि में दिनांक 16 अप्रैल से 31 मई 2020 तक समस्त राजकीय और गैर राजकीय महाविद्यालयों में ग्रीष्म अवकाश घोषित किया जाता है। विश्वविद्यालय के संबंध में कमेटी की रिपोर्ट एवं राज्य सरकार की अनुशंसा माननीय कुलाधिपति यानी राज्यपाल महोदय को प्रेषित कर दी गई है। उसके साथ ही सेकेंड चरण क्या है दोस्तों, परिस्थितियां अनुकूल होने पर स्थगित परीक्षाओं को और कोविड-19 से बचाव हेतु सरकार द्वारा जारी निर्देशों की पालना सुनिश्चित करते हुए स्नातक और स्नातकोत्तर की अंतिम वर्ष की परीक्षाओं का आयोजन जून 2020 के प्रथम सप्ताह से और स्नातक यानी जो ग्रेजुएशन प्रथम द्वितीय और स्नातकोत्तर पूर्वाध वार्षिक सेमेस्टर परीक्षा सहित 15 जून के पश्चात आयोजित की जाएगी। तो स्पष्ट दे रखा है दोस्तों, तो लगभग आपके पास 1.5 महीना है, इसमें आपकी छुट्टियां जो घोषित हो गई हैं ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित हो गए हैं। तो दोस्तों ये पूरी पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप है स्टडी पॉइंट टुडे पूरा लिखकर आप वहाँ से सर्च कर सकते हो और ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। और दोस्तों अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें इस वीडियो को, और दोस्तों हमारे साथ हमेशा बने रहने के लिए धन्यवाद।